एवरीवन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं मुयाज मोरस आपको प्रोग्राम अपने नए सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि मैं ऑनलाइन सेशन में आपको ऐसे लोगों से और ऐसी शख्सियात से मिलवाता हूं जो जिंदगी के किसी भी शोबे में अपना अहम किरदार अदा करते हैं और माशरे में उन्होंने जो पहचानों में मुकाम हासिल किया होता है उसके हवाले से उनकी जिंदगी के साथ के बारे में बात करते हैं। और आज भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो आज हमारा सेशन है वो एक ऑनलाइन सेशन है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम कोविड 19 से सफर कर चुके हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल में हमने एक नई टेक्नोलॉजी की जिद्दत देखी है ऑनलाइन सेशन। और इसी कोविड में जो कुछ अहम शख्सियात जिनको फ्रंटलाइन हीरोज कहा जाता है उन फ्रंटलाइन हीरोज की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता है जिन्होंने अपने मुल्क और उनका नाम रोशन करते हुए जिस भी मुल्क में थे वहां पर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही गेस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया मेडिकल जैसे शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ना सिर्फ ये मैं इस चीज का इकरार कर रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान की फॉरन मिनिस्ट्री भी जो है वो इनकी खिदमत का एतराफ़ कर चुकी है। और खुशकिस्मती मेरी ये है कि ये पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करने वाले वाहिद मसीही हैं और उनकी जिंदगी उनकी खिदमत और आज जो है वो कोविड के हवाले से जो उन्होंने किस तरह से फाइट किया चैलेंज किया उनकी जिंदगी की वो बातें जो आप तक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ आज दोहा कतर से जनाब मौजूद है। थैंक यू सो मच सयाज सर, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आपसे बातचीत करूंगा। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले देखने वाले हाजरीन को बहुत सारा मेरा सलाम और आप सब जीते रहें और तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सर, जैसे मैंने क्योंकि मेरा भी ताल्लुक आपका सोशल मीडिया के जरिए हुआ और जब मैंने वो लिस्ट देखी फॉरन मिनिस्ट्री की जिसमें आपका नाम था और आपको जो है वो ट्रिब्यूट दिया जो आपने खिदमत दी गई उसके हवाले से आपको अप्रिशिएट किया गया और फॉरन मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि वो उन तमाम पाकिस्तानियों को जो किसी भी मुल्क में है पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद रख रहे हैं उन लोगों का जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया। तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। मैं पहले सबसे आपकी जिंदगी की कहानी और आपकी जिंदगी का सफर जो है अपने नाजरीन के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, ये सफर कैसे शुरू हुआ अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, ये बड़ी लंबी दास्तान है लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जो सेल्फ मेड होते हैं जो खुद अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह मैं बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो बहावलपुर शहर से है जहाँ से मैंने अपनी जो प्राइमरी की एजुकेशन थी कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की थी और उसके बाद अच्छे स्कूल की खातर मुझे जो वहाँ के ब्रदर्स और सिस्टर्स थी वहाँ की कॉन्वेंट्स की उन्होंने मुझे लासाल मुल्तान में भेजा जो इंग्लिश मीडियम बड़ा एक फेमस स्कूल था उस जमाने का। मैं लासाल मुल्तान से मैंने अपनी जो मैट्रिक की तालीम थी वो कंप्लीट की। उसके बाद अच्छी तालीम के सिलसिले में मैं आगे बढ़ा और कराची तक पहुँचने का इतफाक हुआ जहाँ बार मेरी सिस्टर थी वो नर्सिंग कर रही थी तो वहाँ यहाँ आके मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया PCHS फाउंडेशन कॉलेज था जहाँ से मैंने बैचलर की डिग्री हासिल की बैचलर इन साइंसेस की 92 के अंदर। और उसके बाद मुझे शौक था फौज में जाने का, उसकी तगड़ो में लगा रहा कभी नेवी में अप्लाई करना इधर करना ऐसे ऐसे। मेरी सिस्टर जो थी मेडिकल से वास्ते व्यवस्था थी तो इस एक दफा मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था लियाकत लाइब्रेरी, ये आपने नाम सुना होगा टेक्नोलॉजी का नाम मैंने पढ़ा तो मैंने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं इसके अंदर क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा था एक्सपीरियंस ही नहीं था। मेरी तालीम बैचलर थी उस दौर में BSc बड़ी क्लास होती थी इसे और ये जो फील्ड थी इसमें तो मेट्रिकुलेट लोग भी चल जाते थे तो व्हेन एवर आई जस्ट अप्लाई देयर तो उन्होंने मुझे फौरन सेलेक्ट कर लिया। मेरा इंटरव्यू मुझे मैंने वो ट्रेनिंग कर ली और जब मैंने वो ट्रेनिंग की तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे नर्सिस थी उनका कहना था कि आपकी एजुकेशन तो बहुत हाई और आप इस फील्ड में आ गए। तो मेरी एक सोच थी कि इंसान किसी भी चीज़ में मेहनत करता है तो उसको उसका फल मिलता है ज़रूर मिलता है। Then just I try for Aga Khan University Hospital, then वहाँ पे मुझे जॉब ऑफर हो गई
और जब मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया आगा खान ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेटिंग रूम में, तो वहाँ पे हमारी मैनेजर थी जो फॉरेनर थी वैलरी मॉसिन, और डायरेक्टर नर्सिंग थी वो ग्रेस मिलर थी। उन्होंने देखा कि माई मेरी एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, मैंने बैचलर साइंस किया हुआ है। तो आगा खान वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट कार्डिक सर्जरी। उन्होंने बोला कि नई फील्ड है पर आपकी तालीम बहुत अच्छी है, क्यों ना आप इस फील्ड में आ जाएं, इस चीज़ को छोड़कर आप इसको ट्राई करें। इसकी जो है जो उस दौर में जो प्रोफ्यूजनिस्ट है जिस फील्ड से मैं वाबस्ता हूँ वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग नहीं थी। आपको बैचलर करने के बाद बाहर जाना पड़ता पढ़ने के लिए, फिर आपको उसकी सर्टिफिकेशन मिलती थी इस प्रोफेशन के लिए। तो इट वॉज नॉट लाइक अ कॉमन इन पाकिस्तान, लोग इस फील्ड को जानते भी नहीं थे और इवन के मुझे भी मालूम नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, अपने वाले से, बहन भाइयों से, तो उन्होंने बोला जी आप करें, ट्राई करें, नो प्रॉब्लम। तो फाइनली आई गेट अ चांस, आगा खान ने मुझे ऑन जॉब उसके बाद मुझे एनरोल्ड कर दिया परफ्यूजन के लिए। आई वाज द फर्स्ट ट्रेन परफ्यूजनिस्ट ऑफ आगा खान, जिसको आगा खान ने ट्रेन किया था, जिसको मेरी जो सर्टिफिकेशन थी दैट वाज फ्रॉम द साउथैम्पटन जनरल हॉस्पिटल की थी। वहाँ के जो मैंने एग्जाम दिया वहाँ मैंने पास कर लिया। सो फाइनली नाउ आई चेंज माई फील्ड। पहले मैं एक सिंपल से ऑपरेशन थिएटर के उसमें एंटर हुआ था और अब मैं टोटल प्रोफियन साइंसेस की एक बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया। और पाकिस्तान में इस फील्ड के बारे में बल्कि अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली आप देखें, आपको नॉर्मली आपको पता चलता है नर्सिस को जानते हैं, डॉक्टर्स का पता है। ये फील्ड जो है ये बहुत यूनिक और बहुत स्पेशलाइज फील्ड है कार्डिक सर्जरी के अंदर। सो आई एम हाँ द बहुत बहुत अरसा तक बच्चों को पढ़ाने का काम करता रहा और इसके साथ फिर मुल्क से बाहर आने का इत्तेफाक हो गया मुझे। सो अभी आजकल मैं हमद हॉस्पिटल के अंदर एज ए एक्मो स्पेशलिस्ट और सीनियर क्लिनिकल प्रोफेशनिस्ट के अहदे पर हूँ। जी, सॉरी सर, वो थोड़ी कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपका वो आवाज आ रही थी। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया तो ये कोविड में जो सूरत हाल हुई थी, आपने इसके क्या सिचुएशन क्या थी? जैसे हम देख रहे पूरी दुनिया में ये बड़ी पैनिक सिचुएशन थी और मेडिकल स्टाफ जो था, मेडिकल का जो अमला है उसका जो है वो बड़ा अहम किरदार था। तो ये एक प्रेशर भी था, एक स्ट्रेस भी थी कि सारी दुनिया जो है वो इससे डर रही थी, और मेडिकल जो डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ पूरा, जिसको फ्रंट लाइन जो है वो कहा गया, हीरोज कहा गया। तो क्या सूरत हाल थी जब आप पेशेंट को ट्रीट करते थे, या बिटवीन मेडिकल स्टाफ जो एक होता है ना, कन्वर्सेशन होती है, फिर फैमिली से बात होती है, तो एक टेंशन या फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल था, इसमें आपने जो है वो कैसे टैकल किया है सारी सूरत हाल? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने यार। मैं आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी मज़े की, वो ये है कि मेरी जो यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है ना ये हमद हॉस्पिटल के अंदर, मेरा सही मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट एज ए एक्मो स्पेशलिस्ट है। हमारा ये सही काम होता है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि इस जरूर फील्ड जरूर में एक्मो स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं, हमारा हम लंग्स पे काम करते हैं। नॉर्मली वो जिनको लंग्स का इशू हो जाता है, नमोनिया सीवियर में तब्दील हो जाता है, जो लंग्स आपके इफेक्ट हो जाते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल उनकी जो एक लिमिटेशंस आपको नॉर्मली आप आम फहम जुबान में सुनते हैं कि मरीजों को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। वो मरीज जिनके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, वो वेंटिलेटर उनकी जो जो है जो सपोर्ट है वो भी काफी नहीं होती। यानी इतने बीमार वो लंग्स जिन पे वेंटिलेटर भी अगर आप उसे अटैच करते हैं तो वो नुकसानदेह है। तो एक एडवांस फील्ड है जिसे कहते हैं एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन थेरेपी, जो बहुत महंगी है। और मैं सही वाहिद था पाकिस्तान का जिसने इंग्लैंड से इसकी ट्रेनिंग हासिल की थी 2007 में, ब्यूटीफुल जो आगा खान ब्यूटीफुल भेजा था। और इसी बेस पे मुझे गवर्नमेंट ऑफ कतर ने हायर किया था एज ए, इन्होंने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो पाकिस्तान में ये जो फैसिलिटी बहुत कम है ना हो बराबर, बल्कि मैं इस बात को इस तरह एडवांस करता हूँ कि अभी जो मुल्तान में वाइस चांसलर बहुत मशहूर, जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई, वाइस चांसलर कमाल पाशा साहब, जिनको अभी सितारा इम्तियाज कुछ मेडल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, उनको जब एक्मो पे डाला गया था तो मैंने यहाँ मुल्तान में यहाँ से कोऑर्डिनेशन की थी उनकी एक्मो कैनुलेशन के हवाले से, उसकी सर्विसेज देने के हवाले से। तो ये जो सर्विस होती है इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जिस्म का जो ब्लड होता है उसमें पाइप कैनुलेशन करके हम पूरा ब्लड बॉडी का निकाल के उसकी जो लंग का जो काम है
वो अपनी मशीनों से करवाते हैं आर्टिफिशियल, और ये हफ्तों ओह चलता है, महीनों चलता है। और फिर आपके सामने मरीज एक कोविड का होता है जो कि आपको मालूम है कि ये कोरोना का पेशेंट है, और फिर ब्लड से आप खेलते हैं और फिर आप बिल्कुल सामने हैं मरीज के, तो ये हफ्तों चलाते हैं। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, जिसमें आप जब वो ड्रेस पहनते हैं, और फिर हमारा काम होता था, हम कतर के मुख्तलिफ हिस्सों से मरीज को लेके आते थे, ना कि हॉस्पिटल के अंदर से। यानी कि इस तरह समझे जैसे आप कराची से हैदराबाद पेशेंट है, तो हम उसको उस मरीज को इन मशीनों पे डाल के दूसरे शहरों से अपने शहर मिला के उनका इलाज करते थे, जो बहुत मुश्किल काम है, जिसमें आपकी जिंदगियां जो है ना वो दाव पे लगती हैं। तो ये बिल्कुल छोटी सी खिदमत थी जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी हमारे पास मरीज हैं जिनको हम इससे ट्रीट कर रहे हैं, और जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो फिर हमारी बेड साइड नर्सिस उसका टेक केयर करती हैं, एज ए एक्मो स्पेशलिस्ट। हम उसके लिए जो टेक्निकल जितनी भी चीज़ें वो हमारी जिम्मेदारी होती है, उसकी मैनेजमेंट हम करते हैं। और डायरेक्ट ब्लड से खेलना इज अ वेरी मतलब आसान काम नहीं होता। और फिर जब आपने सब कुछ पहना हुआ होता है और पहना मरीज तसल्ली देना ही होती है, वो एक बहुत बड़ा काम है जो हम अभी भी कर रहे हैं, और बहुत सारा चल रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में मैं पहला वो परफ्यूमिस्ट था जिसका इसका इस चीज़ का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के बहुत अंदर। और पाकिस्तान में जो पहला है हमने 2012 में किया था आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। सही सर। ये जैसे मैंने पहला आपने बिल्कुल बहुत आपने जबरदस्त बताया, और इसमें वाकई ही बहुत आपको हिम्मत हौसले की बात है। इस दौरान फैमिली से भी कांटेक्ट होता था, तो घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? वो क्या आमतौर पर हमने देखा है कि मेडिकल स्टाफ ने इन दिनों बहुत कुर्बानियां दी कि अपनी फैमिली से दूर रहे, और जाहिर सी बात है सोशल पैनिक क्रिएट जो हुई थी उसकी वजह से फैमिली के मेंबर भी परेशान होते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जैसे आपने जो कंडीशन बताई है, वहां फैमिली की सपोर्ट और उनकी तरफ से जो मोरल इंकरेजमेंट है वो बहुत जरूरी थी। तो आप बताइए कि आपको फैमिली की सपोर्ट कैसी रही है? जो आपके साथ दीगर स्टाफ था उनको फैमिली ने कैसा सपोर्ट किया कि वो अपनी ड्यूटी को बेहतर तौर पर परफॉर्म कर? ऐसा हुआ कि जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो इत्तेफाक से अरे 1 हफ्ता पहले मेरी फैमिली पाकिस्तान गई, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया सब कुछ, आपका जो था ऑपरेशन ऑफ जो था एविएशन वो सब बंद हो गया। तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई, मैं इधर, और मेरा जो बड़ा बेटा है जो MBBS 5th ईयर का स्टूडेंट है, मैं और वो दोनों यहाँ, क्योंकि वो चाइना में स्टडी हासिल कर रहा है, लेकिन जैसे लॉकडाउन होने की वजह से मैं और वो दोनों अकेले यहाँ पे रह गए। और एक साइकोलॉजिकली भी आप परेशान होते हैं कि बहुत आप पाकिस्तान में रह गए, आप इधर हैं, और उसके बाद फिर कोरोना जैसे पेशेंट्स को देखना। तो फिर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाइयों ने मुझे कॉल करनी, बेटे ने कहना कि डैडी डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो खिदमत के लिए हमने खुद चूज किया, ये बिल्कुल प्रोफेशन बिल्कुल हमारा अपना है। और आपको पता है हम जिस दीन से ताल्लुक रखते हैं, जिस रिलीजन से हम ताल्लुक रखते हैं, हमें तो सिखाया ही गया है कि अपने दोस्त इंसानियत बिल्कुल पड़ोस प्यार करना। तो हमारे जिस्मों में, हमारे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है कि हमें तो खिदमत करनी है। तो जब हम ये सोचते थे, और मैं आज एक चीज को आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं जाता था, और जब भी जा रहा हूँ, जैसे अभी भी जाऊँगा, मेरी इवनिंग ड्यूटी है, तो मेरी आदत है इन कोरोना सीजन में जो सबसे बड़ी टैबलेट मैं लेके जाता था, दैट वाज साम्स 91, जबूर 91। तो मैं ब्यूटीफुल हमेशा मानता था, जिसमें ये लिखा हुआ है कि तेरे पास पास हजार गिरते, 10,000 तेरे देने यार की तरफ, मगर वो तेरे नजदीक ना आएगी, बस तू तो अपनी ही आंखों से देखेगा और शरीरों के जान का मायना करेगा। तो जब मैं ये जबूर पढ़ता था तो मुझे तकवीत मिलती है। तो फिर मैं जो मरीजों से बात करता था, बल्कि वो पेशेंट जो ठीक होकर घरों में जाते थे, वो भी टेलीफोनिक कॉल करते थे, डॉक्टर साहब हम ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, अब बताएं। तो उनकी इस तरह भी नफसियाती तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे भी हम उनको ट्रीट करते थे, और अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे अपने मसीह बच्चे बहुत परेशान हो गए इस बीमारी में आ गए, जिनको हमने ट्रीट किया। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं यहाँ पे एज ए क्रिश्चियन, मैं चर्च से भी मुंसलिक हूँ एज ए कैथलिक, और मैं उर्दू कम्युनिटी एज ए कोऑर्डिनेटर और लेक्चर कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ये भी मेरी एक जिम्मेदारी थी कि मुझे अपनी क्लीसिया को, जो पाकिस्तानी है, उनको भी लेके चलना था। तो ना सिर्फ मैं अपनी फैमिली के लिए परेशान था, जो कतर में मौजूद फैमिलीज थी हमारी पाकिस्तानी, और वो बच्चे जो बेरोजगार हो गए थे, जिनके पास खाने के लिए पैसा बचा था, जिन्होंने वापस जाना था तो कराया नहीं था, जहाँ पे हमारी भी एयर फेयर बनता है, आपके जो
जहाजों का जो आमदोरफ्त वो बंद हो गई थी, उनके लिए स्पेशल प्लेन जो चले थे आपको पता गवर्नमेंट ने चलाए थे, उन सारी बातों को देखते हुए फूड स्टॉक पहुंचाने की हद तक, उनके किरायों का हिसाब करना, उनकी ये सारी जिम्मेदारी थी एज ए इंचार्ज, एज ए कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी। तो फिर हमने इस सारे काम को अमल में लाया और खुदावंत के फजल से बहुत एहसन तरीके से लोग अपने घरों तक पहुंच चुके हैं, बल्कि जो मुझे बहुत सारे देख भी रहे होंगे और बिल्कुल उनकी बिल्कुल, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं अभी। वो जो मुझे कॉल करते थे एयरपोर्ट पे बैठ के कि इजाज़ भाई हम आपका ये एहसान नहीं बोलेंगे, मेरा एहसान नहीं था, सॉरी टू से, दैट वाज द प्लान बाय गॉड, आई एम जस्ट अ स्मॉल एलिमेंट इन दैट बिटवीन, खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए इस फील्ड में लाया है या इस पोजीशन पे लाया था, मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं था, बाकी ये सब खुदावंद के वसीले हैं, वो खुदावंद जिससे कोई भी काम लेना चाहता है वो ले लेता है, तो खुदा ने मेरे से काम लेना तो मैंने किया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया। और आपको मैं ये बताऊं कि इन कोरोना सीजन में दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट द गवर्नमेंट ऑफ सही पाकिस्तान डिसाइडेड टू रिकग्नाइज टू द ओवरसीज पाकिस्तानीज, ठीक है, सो द टाइम एंड दे डिसाइडेड टू रिकग्नाइज ओवरसीज पाकिस्तानीज हु वर्क फॉर द इन ए कोविड-19। तो व्हाट हैपन, आई वाज डूइंग माय वर्क एज अ सिंपली एज आई एम डूइंग, इट वाज नॉट अ स्पेशल, मैंने कुछ दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा था, मेरी हमारी तो रूटीन है हॉस्पिटल जाना ही है, हमें कोविड पेशेंट को देखना ही है, और मेरा तो डिपार्टमेंट ही कोविड वाला है, क्योंकि हम तो लंग्स पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली लंग्स के मरीज तो होते ही, ये बीमारी भी लंग्स की है, तो इसको तो हमें देखना ही था, इनको तो हमें ट्रीट करना ही था। आई वॉज वरीड अबाउट माई कम्युनिटी ऑल्सो ऑन अदर हैंड, जो के बेचारे हमारे जो पाकिस्तानी मसीही मोमिनीन हैं, जो बच्चे इधर आए हुए थे, जो जो डेली वेजिस पे काम करते थे, वो आजाद वीजे लेके आए हुए थे, जो रोजाना की बुनियाद पे कमाते थे, लेबर तबका था, और अचानक कंपनीज बंद हुई, उनका खुराक बंद, पैसा बंद, तो वो बहुत परेशानी का आलम था, मुझे वो भी देखना था अपनी जॉब के साथ साथ। बट आई डिड कि हमने फिर प्लान किया कि उनके घरों तक पैसा कैसे पहुंचाया जाए, उनके घरों तक खुराक कैसी पहुंचाई जाए, फिर उनके वीजे खत्म हो रहे, उनको वापस कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत मुश्किल काम था। जो फिर मेरा अम्बेसी से बड़े अच्छे ताल्लुकात, मैंने कॉल किया अम्बेसी में, अम्बेसी वालों से बात की कि एज ए चर्च कम्युनिटी मेंबर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने बहुत प्यारा पाकिस्तान अम्बेसी आई सल्यूट है, मैं पाकिस्तान ऑफिशियल्स को बहुत सल्यूट पेश करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने बिला इम्तियाज, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है, दिस इज द लव ऑफ पाकिस्तान, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप मुस्लिम क्रिश्चियंस हिंदू ये सारी चीजों से बाला करोगे, पाकिस्तान के झंडे के तले होते हैं, वी आर द ये बेस्ट, बहुत जबरदस्त बात की, वी बहुत आर द बेस्ट जबरदस्त इन पाकिस्तान, इट इज नॉट मैटर यू आर क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू कुछ भी है, आप पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी, बिल्कुल अम्बेसी ने बोला कि आप, और फिर मुझे ये एक आजाद मिला, मुझे मेरे लिए बड़ी एक एजाज की बात थी कि ना कि मैंने मसीही जो लोग थे परेशान थे, बल्कि जो मुस्लिम हमारे अपने बहन भाई थे जो परेशान थे, उनके लिए भी मैं आगे बढ़ा, उनको भी पाकिस्तान तक पहुंचाया, उन तक भी खुराक पहुंचाई, तो ये जो चीजें थी दैट वाज अ बिग थिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने फील किया कि फिर इन्होंने यहाँ पे 7 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, 7 लोगों के नाम पे, यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े रिच है, लेकिन आई एम वन ऑफ द लोअर सिंपल सा आदमी था, मेरे तो वहमो गुमान नहीं था कि ये मुझे नॉमिनेट करेंगे, सो दिस इज समथिंग लाइक ए न्यूट्रल बट डिसीजन मेकर थे जब बैठे हुए थे बैसी, सही उन्होंने कॉल की कि वी शॉर्ट लिस्टेड यू अमंग द 7, तो मैंने थोड़ा हैरानगी भी देखी, मैंने मुझे आपने कैसे शॉर्ट लिस्ट किया, लेकिन साथ उन्होंने मुझे बोला कि हम ये नाम इस्लामाबाद भेजेंगे, जो फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस में वो डिसाइड करेंगे फर्दन क्यों शॉर्ट, क्योंकि मेरी जो बायोग्राफी थी हॉस्पिटल की, मेरी चैरिटी हॉस्पिटल चर्च लिंक और बाकी जो खिदमात थी, इन सारी की उन्होंने एक बायोग्राफी डिटेल बना के इस्लामाबाद भेजी, इस्लामाबाद में उन्होंने 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया इस कतर से, इसी तरह दुबई से 2 थे, सऊदी से 4 थे, इटली से थे, कनाडा से थे, 27 कंट्री से मंगते, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शॉर्ट लिस्टेड माई नेम, दैट वॉज समथिंग लाइक अमेजिंग फॉर मी एंड इट आई जस्ट बहुत उसी टाइम में बिल्कुल खुदावंद सर, का बहुत शुक्र ज्यादा है। आपके लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स भी हैं, फैसल मुख्तार कहते हैं प्राइड ऑफ द नेशन, इजाज राय साहब, थैंक यू, परवेज अंजुम कहते हैं गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर, यू आर आवर नेशनल हीरो, इसी तरह से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और इसके बाद भी कमेंट्स आए। ये जो 2 लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये मेरी टास्क फोर्स है, इन्होंने भी मेरे साथ सही मिलके
ये जो खिदमत की थी हमने इंसानियत की, ये फ्रंट लाइनर है, ये भी इनमें से सही हॉस्पिटल के सही और इन्होंने बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, तो कितनी खुशी होती है जब आपके काम की वजह से आपका जो एक जो जॉब होती है आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन तो आपको खुशी होती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो आप एक पैशन के साथ, और नर्सिंग का प्रोफेशन जो आपने चूज किया, और जो हमारी मसीह तालीमात है कि वो दुखी इंसानियत की और ऐसे इंसानों की खिदमत। सॉरी अयाज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये आपको मैं अपने प्रोफेशन, दिस इज नॉट अ नर्सिंग प्रोफेशन, दिस इज ये नर्सिंग प्रोफेशन नहीं है, दिस इज अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है जो नर्सिंग से डिफरेंट है। दिस इज नॉट अ नर्सिंग प्रोफेशन, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि दिस इज ये हमारी एक सेपरेट डिग्री है, इंटरनेशनल डिग्री है। दिस इज सी मच हायर देन द नर्सिंग डिग्री है, यानी कि पहले डॉक्टरेट नर्सिंग करने के बाद, बीएससी करने के बाद दो फिर इसके लिए ट्रेनिंग किया करते थे। ये नॉर्मली कुछ सेंटर्स के अंदर, कुछ मुल्कों के अंदर आफ्टर ऑफ योर कार्डियोलॉजी, आपका आपका कोई एमबीबीएस करने के बाद फिर परफ्यूजन किया जाता है कुछ, लेकिन जबरदस्त, कुछ सेंटर्स में, कुछ मुल्कों के अंदर आपको, जैसे ये डिफरेंट स्पेशलिटी है, इसी तरह ये डिफरेंट स्पेशलिटी है, ये डॉक्टरेट स्पेशलिटी है, डिफरेंट देन द नर्सिंग। ये नर्सिंग वाला काम होता है बेडसाइड नर्सिंग, दिस नॉट अ बेडसाइड। इसको मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, कार्डिक सर्जरी के अंदर, ऑपरेशन, किसी भी सर्जरी के अंदर आपके जहन में दो चीजें आती हैं। आपके पास आता है होता है जो ऑपरेशन करता है, एक कार्डिक एक एनेस्थेटिस्ट होता है जो बेहोश करता है, बाकी उनके हेल्पर्स होते हैं जैसे नॉर्मली आप सुनते हैं। हार्ट की सर्जरी में तीन टीमें काम करती हैं, कार्डिक सर्जन का काम होता है हार्ट पे काम करना, एनेस्थीसिया का काम बेहोशी करना, लेकिन जब आप लंग और हार्ट बंद कर देते हैं तो फिर एनेस्थीसिया का काम खत्म हो जाता है। देन आवर वर्क स्टार्टेड, हमारा काम होता है कि हम फिर उसकी हार्ट को और लंग को स्टॉप करते हैं, उसकी जो सर्कुलेशन है उसको आर्टिफिशियल कर देते हैं। तो ये वाला काम नर्सिंग का काम नहीं है, ये दिस इज द प्रोफ्यूजनस, प्रोफ्यूजनस इज अ डिफरेंट स्पेशलिटी। बहुत मैं जबरदस्त, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल को लोग मिस अंडरस्टैंडिंग ना करेंगे ये नेशनल नर्सिंग फील्ड है, दिस इज नॉट अ नर्सिंग, दिस इज टोटल स्पेशलाइज फील्ड ऑफ इन अलाइड हेल्थ। इसे कहते हैं क्लिनिकल प्रोफ्यूजनस और इसकी बहुत डिमांड है। इसको मैं इसको हाईलाइट जी करता हूँ ताकि ताकि ये मैं बताने का मकसद है कि जो न्यू जी जनरेशन हाँ देखे जी बहुत इंडस्ट्री, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है कि वो इस ताकि फील्ड में जैसे, है बिल्कुल। मैं आपको सादा लफ्जों में बताता हूँ कि जैसे अगर आपको नौकरी पर रखा जाएगा कार्डिक सर्जरी के अंदर, तो उस दौर में जब मुझे, जब उस वक्त एज ए एक नर्स को 5,000 सैलरी मिलती थी, तो मेरी 30,000 सैलरी थी प्रोफेशनल्स की, यानी कि हाउ मच डिफरेंट ऑफ दिस स्केल, इसके ग्रेड्स हायर हैं। यानी कि गवर्नमेंट के सेक्टर में भी आपको 117 से स्टार्ट किए, आपके 70वें स्केल से इसकी जॉब स्टार्ट होती है। और मेरे जो स्टूडेंट हैं डाउ के अंदर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं नौम्बिका में ना वेरी नाइस पोस्ट पे वो चले गए हुए हैं। तो इसलिए मैं जैसे आपको सब क्लियर करना चाह रहा था कि ये नर्सिंग फील्ड नहीं है, दिस इज नॉट अमंग द नर्सिंग, तो ये एक डिफरेंट फील्ड है जिसमें हमारे बहुत सारे अभी क्रिश्चियन बच्चे भी आ चुके हैं इस फील्ड के अंदर। जब मैंने स्टार्ट किया था तो शायद हम दो ही बंदे थे इस फील्ड के अंदर, एक इस्लामाबाद में ह्यूबर्ट हैदर साहब होते थे और एक मैं था आखन के अंदर, लेकिन अभी तो खुदावंद के फजल से बहुत सारे बच्चों ने इस डिग्री को हासिल कर लिया है और बहुत सारी जगहों पे वो काम भी कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा फील्ड है, इसमें डिमांडिंग फील्ड है जो कि एक अच्छी रोजगार के सिलसिले में लाखों रुपये सैलरी पे से पाकिस्तान में बच्चे कमा रहे हैं इसी जॉब के अंदर। और लेकिन यह है कि इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि कार्डिक सर्जरी इज लिमिटेड, ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर आपने अगर 100 परफ्यूजनस्ट बनाया तो 100 के 100 खप नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे कार्डिक सर्जरी, क्योंकि आपका स्पेसिफिक काम है, जैसे एक सर्जन का काम होता है इसमें परफ्यूजनस्ट एक सेपरेट काम है। तो ये फील्ड बताने का मकसद था, जो देखने वाले हैं जो नए बच्चे हैं वो इस फील्ड को समझ सकें, इस फील्ड की अहमियत को जाने की फील्ड है क्या। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तो खुद भी मालूम नहीं था सही व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मुझे जब वो हमारी जो मैनेजर थी उसने एक्सप्लेन किया था, वो वैलरी मौसन ने, तो आई वाज शॉक्ड कि ये है क्या चीज़ है। मुझे, मैं तो उसी में बड़ा खुश था कि मैं ऑपरेशन में सर्जन को हेल्प करता हूँ, मैं ये पकड़ाता हूँ, लेकिन जब मैं इस फील्ड के लिए जो ने मुझे नॉमिनेट किया, शॉर्टलिस्ट किया वहाँ पे आखान पहली दफ़ा, तो इट वाज, मैं खुशकिस्मत हूँ जिसको फ्री पढ़ा हूँ। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डाउ यूनिवर्सिटी से इसमें फिर बैचलर की डिग्री भी की,
separate. Although I was a BS in my biology, then I enrolled for the BS perfume sciences in Dow University, जिसके अंदर फिर मैं विजिटिंग लेक्चरार भी रहा, यानी फिर मैंने इसकी तालीम सेपरेट हासिल की और इसी फील्ड की एक्मो स्पेशलाइजेशन के लिए फिर मैं इंग्लैंड भी चला गया फ्रीमैन हॉस्पिटल। वहाँ से फिर मैं इसमें फर्दर जिद्दत की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो मैं पढ़ के आया वहाँ से, और फिर वो आज काम में आ रही है और खिदमत हो रही है लीसिया की, बल्कि बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं वो भी आपको मेरा जो सवाल था सवाल थोड़ा कि हम जो है वो जैसे बात कर रहे थे कि जब आप पाकिस्तानी बिंग पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और दूसरे ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, एक तो अब बिंग क्रिश्चियन आपको फख्र महसूस होता है कि आप जो है एक इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और दूसरा जब पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, पाकिस्तान का झंडा लहराता है, तो कितनी खुशी होती है, वो फीलिंग जरा बताए कि आपकी वजह से आपके मुल्क का नाम रोशन होता है और लोग आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वो महफूज हुई और आपने जो है उसकी वजह से हम महफूज, तो वो फीलिंग्स बताइएगा, वो फीलिंग्स कैसी होती है? आपको मालूम है कि मैं फ्रॉम इनर मैं एक फौजी दिमाग का बंदा, मुझे शुरू से फौज से प्यार था, मोहब्बत। जब मैं लासाल में पढ़ता था तो मेरे जो स्टडी डेस्क के अंदर वो राशिद मेनाज और ये सारी फोटो लगी होती थी मेजर अजीज भट्टी की, और मुझे क्रेज था कि फौजी मैं बनूँ, मेहनत करूँ, और उसके लिए मैं नेवी भी मैंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फिर मेरा चेंज हो गया सारा प्रोफेशन सब कुछ। ये देखिए अभी भी ये झंडे तले मैं बढ़ा हूँ इंटरनेशनली, देखिए मैं बाहर हूँ लेकिन मेरी मोहब्बत पाकिस्तान से इतनी है कि इसका मेरी मोहब्बत तो मेरी अपनाइत पाकिस्तान के साथ जो है, या हम सब की, नॉट मेरी बल्कि सब, हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान ही हमारी पहचान है, यही हमारी आन है, यही हमारी शान है, और जब लोग कहते हैं कि इज द पाकिस्तानी आई फील वेरी प्राउड, और ये प्राउड की बात होती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप पाकिस्तानी हैं और आपकी दुनिया के लोग जब आपको पाकिस्तानी कहते हैं तो और आप अच्छे काम करते हैं तो एक तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, दूसरा मुझे वो खुशी मिलती है जो हम कलाम में पढ़ते हैं कि आप अपने मुल्क से वफादार रहें, आप जहाँ पे रहते हैं उसकी वफादारी, और इसका सबूत हम देते हैं क्योंकि हमने अपने मजहब में यही दिया है कि आप जिस मुल्क में हैं आप उस मुल्क के वफादार हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि इस मुल्क में रहते हुए जब मैं गुजरता हूँ, जब मैं मिलता हूँ जिन लोगों से मेरी बात होती है, सो दे ऑलवेज से ही इज द ट्रू पाकिस्तानी, दे नेवर से ही इज क्रिश्चियन, ही इज मुस्लिम, ब्ला ब्ला ब्ला, दे से दिस इज द ट्रू पाकिस्तानी। जब भी पाकिस्तान की न्यूज आती है, सो व्हेन वी आर डूइंग अ सर्जरी नॉर्मली, आपको मतलब आई एम इन्वॉल्वड इन अ कार्डियक सर्जरी, सो व्हेन एवर देयर वाज सम स्पेशल न्यूज अमंग फॉर बिलोंग टू पाकिस्तान, सो यू नो हियर देयर इज अ डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, वी हैव द ह्यूज नेशनैलिटी पीपल विद अस, लाइक वी हैव द फिलिपिनो, कतरी, अरबी लोग हैं हमारे पास हैं, जॉर्डेनियन हैं, टूनिशियंस हैं, तो वेन एवर देर पाकिस्तान की बात होती है तो दे ऑलवेज लुक टू मी, वो मेरी तरफ देखते हैं, और पाकिस्तान से जितने भी अभी भी हमारे पास एक नए नौजवान डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया कार्डिक सर्जरी में, तो वो जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले वो मेरा नाम लेते हैं, यानी कि मेरा रेफरेंस आता है पाकिस्तान से कि वो जाज हिदायत साहब वहाँ पे होते हैं, वहाँ से पाकिस्तान से जो भी यहाँ पे किसी भी फील्ड में मेडिकल में शिफ्ट होते हैं, सो खुदावंद का बहुत करम है, खुदावंद के बहुत फजल है, पीपल रिकग्नाइज मी, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो आखन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेयो हॉस्पिटल हो, चाहे वो इस्लामाबाद का AFIs हो, ये तमाम हॉस्पिटल्स हैं जिनको मैं पर्सनली विजिट भी करता था एज ए प्रेजिडेंट परफ्यूम सोसाइटी, और इस परफ्यूम की जो सोसाइटी को जो गवर्नमेंट लेवल पर रिकगनाइज करने में मेरा बड़ा किरदार था, मतलब खुदावंद ने मेरे इस्तेमाल किया था और लोग मुझे अभी भी मेरे लोग याद करते हैं, फिर इस शोबे का मैं सदर भी रहा और एज आई एम द फर्स्ट क्रिश्चियन हु द सदर एज ए प्रेजिडेंट परफ्यूम सोसाइटी, मैंने बहुत काम किया, फिर उसके बाद आगा खान हॉस्पिटल ने बहुत सारे मुझे अवार्डों से नवाजा, जो मैंने अभी भी अपने पास यहाँ कतर में रखे हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में पड़े हुए हैं,
कि जो एवरी ईयर्स व्हेन दे रिवॉर्ड मी, अवार्ड मी रिलेटेड टू माय सर्विसेज, रिलेटेड टू माय डिफरेंट सम एक्टिविटीज से, तो मैं आल खान को अपना मदर इंस्टीट्यूट मानता हूँ। मैंने जो उठना बैठना चलना फिरना सीखा है वो आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से सीखा है, और इसी की वजह से आज मेरा इधर नाम भी है। और सर, फिर मैं आपकी बात कर रहा हूँ उसके लिए माजत, आपके कुछ कमेंट्स हैं। मीना करीम ने लिखा है, यू आर नेशनल हीरो, गॉड ब्लेस यू ऑल टाइम। ये वहां के जाज हदायत ने लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, यू आर वंडरफुल इंसान। और फिर सैमुअल ताबिश ने लिखा है, गॉड ब्लेस यू मोर अंकल। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स हैं, जैसे जैसे आएंगे तो मैं आपको जो है वो फीडबैक देता रहूंगा। अगेन सर, जैसे आपने बताया कि आप खुशकिस्मत रहे, आपको एजुकेशन आला और प्रेस्टीज इदारों में जो है वो हासिल करने का मौका मिला, और आपने अपने पैशन को परस्यू किया और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो जब आपने जिंदगी में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे, जब वहां जहाँ मुश्किलात भी थी, जैसे आपने जिक्र भी किया कि आपका एक हम्बल फैमिली से बैकग्राउंड है, तो ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं, फाइनेंशियल भी समटाइम जो है वो आप अपनी फैमिली से जब दूर होते हैं तो इस मुश्किलात भी आए, इनको आपने कैसे टैकल किया, और उन मुश्किलात से जो हासिल किया हुआ सबक है वो आज के नौजवान को जो जिंदगी के किसी फेज में है और स्ट्रगल कर रहे हैं और वो भी अपने ख्वाबों को आपकी तरह अचीव करना चाहे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? थैंक यू। बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सवाल आपने किया, और इसको मैं पीछे को लेके जाता हूँ अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ। मेरे साथ ये कल भी आ रहा है, क्योंकि मेरी वालदा की जो डेथ, हम वो छोटे थे, इंतकाल हो गया। मेरे बुजुर्ग वाले जो थे वो बहुत मेहनत कश इंसान थे। भागलपुर में हम पांचों बहन भाई पढ़ते थे, और मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको कॉन्वेंट में दाखिल, बाकी मेरे बहन भाई जो थे वो दूसरे उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, और मुझे उन्होंने, खुदावन की ब्लेसिंग थी, उन्होंने मुझे ले लिया भावलपुर से, जो मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था। उसके बाद जब मैं मुल्तान चला गया तो मुझे शुरू से मैं डिबेटर था बेहतरीन, मुबाइसों में, तकरीरों में हिस्सा लेना, ये मेरी एक खून में शामिल था, और मेरे वालिद भी किया करते थे, ऐसे बोलते थे उनको बोले। तो जब मैं तकरीर करने जाता था, हर साल हमारे सालाना जो मुकाबले होते थे दिसंबर के अंदर, स्कूल के भी और हॉस्टल लेवल के भी और मुल्तान लेवल के भी होते थे, तो मेरी बड़ी बहन की बहुत खिदमात है। मैं आज इस प्रोग्राम में उनका नाम लेना चाहता हूँ, भाजी रजिया की। आज हम सारे बहन भाई, जो कुछ भी है, मेरी बहन रजिया की बहुत खिदमत है। वो रिलीजियस टीचर रही सर हैं, उनकी जो सैलरी थी वो सारी की सारी, की जिस मैं हॉस्टल में पढ़ता था उस दौर में, उसकी फीस मिला कर मंथली हॉस्टल का खर्चा 2,000 रुपया होता था, जबकि एक लेबर की सैलरी 500 रुपया होती थी मुल्तान नसाल हॉस्टल में, बता रहा हूँ। तो मेरी बहन जो रिलीजियस टीचर थी, मैं उसकी पूरी सैलरी उठा लेता था, यानी वो बेचारी को मिलती नहीं थी, पहले मैं ही ले जाता था। प्लस वो मैं एक अपनी बेहतरीन सिस्टर है, पता नहीं वो खुदा ने जिंदगी दे के हैं, हयात हैं कि नहीं है, अमेरिकन सिस्टर्स थी, सिस्टर एनेट रोज, वो खुदा ने बड़ी बरकत, अगर वो लाइफ है, अगर है, यानी वो शायद अमेरिका चली गई। वो प्रिंसिपल कॉन्वेंट, डोमिनिकन कॉन्वेंट भागलपुर की प्रिंसिपल थी। वो अपनी सिस्टर शीला, सॉरी सिस्टर शीला, तो वो अपनी पूरी सैलरी मुझे दिया करती थी, मेरी फीस में डालती थी, एनवलप में डाल के। तो ये इतनी मतलब मुश्किल हालात थे, और जब मैं स्पीच करता था लसाल मुल्तान में और मुझे अवार्ड मिलता ही था, मैं कॉल करता था बहनों को कि मेरी बाजी कल मेरा कंपटीशन है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो बाजी क्या करते थे कि एजाज यार, सानू तो एक ही चाहिए ना, जितना एक वोट ही चाहिए ना, आप पोजीशन आप ही की, आप टेंशन नहीं लो। और जब मुझे अवार्ड मिलता था, और मैं हमेशा अकेला ही होता था, मेरे बहन भाई तो मुझसे दूर भावलपुर में होते थे, तो जब मैं अवार्ड लेकर जाता था, तो ये मुझे शुरू से बड़ी फीलिंग रही कि जब भी कोई मुझे ऐसा होता है मैं अकेला ही होता हूँ। इस दफा भी जब मेरी नॉमिनेशन हुई पाकिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल ओवरसीज लेवल पे, तो मेरी फैमिली पाकिस्तान में, सिर्फ मेरा बेटा और मैं यहाँ थे, कि जो जो खुशी थी वो मैं जैसे मिल के सेलिब्रेट की जाती है, वो उसका कोई मजा ही कुछ और है। लेकिन मेरे पास साथ ये कलमिया रहा कि मेरे जो घर वाले होते हैं वो मुझसे दूर ही होते हैं, जब भी मेरा कोई अच्छा काम होता है, आई एम ऑलवेज सिंगल और अलोन। लेकिन इस दफा मेरा बड़ा बेटा जो कि फ्यूचर का डॉक्टर है, इज ऑलरेडी इन द 5th ईयर MBBS, तो मैं और ये दोनों मौजूद थे, और मैं इसे यही कह रहा था यार, जब भी घर वाले दूर ही होते हैं, जब भी कोई अच्छी बात होती है, आई एम अलोन एवरी टाइम। एक तो ये मेरे साथ है कि मैं, लेकिन इस गुर्बत के अंदर भी, जहाँ पे हम पांचों बहन भाई थे, हमारे में जो आप लोगों को बताने की बात है, फैमिली को बताने की बात, जो नौजवान हैं जिनके वालदेन
इस काबिल नहीं कि उन्हें पढ़ा सकें या उनकी उनको हायर एजुकेशन तक लेके जा सकें। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरी सारी बहनों, मेरी तीन बहनें दो भाई, हम सब जो पैसा मिलता था इकट्ठा करते थे, वी ज्वाइंट टुगेदर, उसी से हम ब्यूटीफुल रेंट करते थे। ब्यूटीफुल हम रेंट में आए थे यहाँ पे, हमारा कोई भी नहीं था कराची में। हम सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए और आगे तरक्की के लिए हम बहन भाई निकले वहां से कराची में, और हमने एक रेंट पे घर लिया। और हम सब, जैसे मैं बीएससी में पढ़ता था तो सब ट्यूशंस पढ़ाता था, जो के मेरे साथ के बच्चे थे मैं उनको ट्यूशन पढ़ाता था बीएससी की। बल्कि मैंने एमएससी के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाई है, जो कि मैं उन्हें बताता नहीं था कि मैं तो खुद अभी बीएससी कर रहा हूँ फर्स्ट। बिल्कुल मैं एमएससी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, ये मुझे अभी भी याद है। बहुत सारी जगहों पे मैं अकेला जाता था, और मैं घर में आके कभी कभी खौफ भी खाता था कि यार इनको पता चलेगा मैं खुद अभी बीएससी में हूँ और मैं एमएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इट वॉज समथिंग डिफरेंट। तो लेकिन हमें पैसे मिल जाते थे, जब पैसे मिलते थे, मेरी बहन एक नर्स थी उससे पैसे मिल जाते थे, दूसरी बहन ने फिर कंपनी ज्वाइन की, तो सब जब हम पैसा जमा करते थे तो उसमें बड़ी बरकत आती थी, बहुत ब्लेसिंग आती थी। फिर हम उसका रेंट आउट किराया भी देना, फिर उसके बाद हमने खुराक भी अच्छी, घर भी पहुंचाना, फिर हमने यहाँ घर भी खरीदे उन्हीं पैसों से, हमने घर खरीदे कराची के अंदर। तो ये होता है यूनिटी का, जबकि हमारी यानी वी आर नॉट, हम लैंडलॉर्ड नहीं थे, बहुत पैसा नहीं था, मेरे अब्बा कोई प्रोफेसर नहीं थे, माई मदर वॉज नॉट कोई बहुत बड़ी मौलमा थी, नहीं, हम बिल्कुल आम से, मेरी वालदा की तो पहले डेथ हो गई थी, हम तो वो बच्चे थे। लेकिन हम पांचों बहन भाई आज खुदावंद के फजल से बड़ी बड़ी अच्छे रोजगार पर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे बच्चे, अब उन सब के बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में मेरे भांजा है, नर्सिंग मेरी बहन है, मेरे बच्चे अपने डॉक्टर्स बन रहे हैं, मेरी बेटी फोर्थ ईयर में अभी है, बेटा एमबीबीएस के उसमें है, दो छोटे जो कॉलेजेस में चले गए हुए हैं। तो देखें कितनी दुनिया चेंज हो गई सिर्फ आपके एफर्ट से, मेहनत से, और आज ये लेवल आया कि आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि अगर मैंने नहीं कुछ सर, किया तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, बिल्कुल इसका सर, नहीं, मतलब आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बिल्कुल, और आपकी जिंदगी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत रोल मॉडल है, और सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी आजजी है और आपका जो है वो सादापन है, और इस चीज को तस्लीम करना है कि आपने इन सारी स्ट्रगल से, सारी जो है वो मुश्किल के बावजूद आपने जो है वो के आपने कंटिन्यू रखी एफर्ट, और आप आज इसको तस्लीम कर रहे हैं इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद, ये एक बहुत बड़े जर्व की बात होती है। और यही बात है, क्योंकि आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर देख रहे होंगे और इसके बाद भी देखेंगे, हम हमारा जो लिंक होगा तो उनका जो है वो आपने, मैं चाह रहा था कि आप उनका भी थैंक यू अदा करें, क्योंकि हम देखते हैं कि, क्योंकि मैं खुद गाँव से है, हम कराची के में आए, हमारे वालदैन ने जो है वो पढ़ने के लिए हम यहाँ किया, जो आप सिचुएशन बता रहे थे कि सब बहने जो है मिलके बहन भाई जमा करते, तो सिमिलर हमारी भी सिचुएशन ऐसी थी कि हम जब पढ़ते थे तो इसी तरह की सूरत हाल को सामना करना पड़ता था। और आज के जो है वो नौजवान, और खासकर तो फैमिलीज के लिए बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है वो इस तरह की एफर्ट को कंटिन्यू करें। सर मैं अगेन, क्योंकि मेरे पास वक्त है और मैं आपकी गुफ्तगू को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, और जो व्यूअर्स हैं हमारे वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं अगेन, जब आपको गवर्नमेंट ने ये जो एजाज दिया तो कितनी खुशी होती है कि आप अपने मुल्क के लिए जब काम करते हैं और आपके मुल्क की जानिब से आपको हुकूमती सतह पर जब ये तस्लीम किया जाता है तो वो सीना, कहते हैं ना पंजाबी में, चौड़ा हो जाता है, तो ऐसी जी, फीलिंग्स थी आपके भी। देखें मैंने जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, मेरे पास, मेरी बहनें अगर देख रही होंगी तो उन्हें आइडिया है कि मैंने पाकिस्तान से एज ए बहुत सारे पाकिस्तान लेवल पे तो बहुत सारा मैंने नाम कमाया था अपने लेवल पे, जितना भी मेरे शोबे से मुतालिक था ये। लेकिन जब मुल्क से आप बाहर जाते हैं और फिर वहाँ आप अपना लोहा मनवाना, वो एक एक बिल्कुल बहुत फर्क है। जब मेरा नाम उन्होंने पुकारा ना, मिस्टर इजाज हिदायत करके बोला, और जब फोटो आई, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे लगा कि जैसे मैंने अपना जो है ना गोल अचीव कर लिया। और फिर मैंने फौरन दुआ पढ़ी और मैंने सबसे थैंक यू किया एक एक, जिसमें मेरी बड़ी बहन रजिया का मैं नाम फिर ले रहा हूँ, बड़ी कुर्बानी है उन्होंने, उन्होंने हमारी खातर शादी नहीं की कि मेरे बहन भाई जो है ना अगर मैंने शादी कर ली तो ये पढ़ नहीं पाएंगे,
हमारी खातर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। अभी भी वो चर्च की खिदमत करती है, बहुत करती है, खुदा ने फजल दे। पर उसके साथ साथ मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बहन भाइयों के साथ मेरी बीवी का बहुत हाथ है, क्योंकि देखें आज जब तक बच्चों की नशोनुमा के लिए एक अच्छी माँ, और मैं हमेशा दुआ किया था कि खुदावंद मुझे, ये पता नहीं मुझे क्यों मैं करता था, आई डोंट नो, आज बता रहा हूँ इसके लिए, कि जब मैं तवारेपन में भी ये दुआ करता था कि खुदा मुझे मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा देना, मैं दुआ भी करता था मेरी जिंदगी में मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा देना, ताकि, और मेरी एक दुआ है, मैं पैगाम देना चाहता हूँ नौजवानों को जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे बाद में भी, कि मेरी दुआ में हमेशा मैं दो वर्ड्स यूज करता था, और उसका मुझे आज लगता है कि वो खुदा ने कबूल कर ली। मैं हमेशा कहता था कि खुदा मैं तेरी कौम कलीसिया मुल्क का नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कौम खिदमत, कौम कलीसिया मुल्क की खिदमत कर सकूं। ये मेरे आज तक के अल्फाज हैं, मेरे पिछले 15 साल के डेली इबादत में मेरे अल्फाज होते हैं कि खुदा मुझे फजल दे। अगेन सॉरी सर, आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स बार बार आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स का भी, उस्मा जैदी ने किया है, गॉड ब्लेस यू, यू हैव इजाज हदायत ने किया, थैंक यू सो मच मिस्टर अयाज मोरस, और राइन तनवीर ने किया है, थैंक यू टू हेल्प आवर कम्युनिटी, और इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट्स है जो है वो मैं वो भी पढ़ना चाहता हूँ। हदायत रियाज, पाकिस्तानी क्रिश्चियन, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। और इसके बाद जो है वो फैसल मुख्तार ने किया, आई वुड लाइक टू थैंक अयाज मोरस मास्टर टीवी एंड अयाज सर फॉर सच अ ग्रेट वर्ड शेयर टू द ऑडियंस, दिस इज अ मोटिवेशनल इंटरव्यू फॉर एवरीवन, आई रियली अप्रिशिएट योर स्ट्रगल। तो सर ये आपकी जो है वो आपके साथ काम करने वाले, आपको देखने वाले, और वो लोग जो आपकी सारी स्ट्रगल को जानते हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और खुशी होती है कि जब, और यकीन माने मेरा जो आपको इंटरव्यू करने का मकसद और जो मेरे मास्टर टीवी पे जो प्रोग्राम्स करने का मकसद होता है कि हम ऐसे ही लोगों को अप्रिशिएट करें जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, जो मेहनत करते हैं, और सबसे बढ़कर उनमें अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा होता है, और आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल उसकी रोशन मिसाल है। तो अगेन मैं आपको चाहूंगा अपनी कंटिन्यू जो है अपनी रिपीट करें। हाँ तो हमने कहाँ से बात खत्म की थी, मैं भूल गया, वहीं से शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने वो प्रे की थी कि अपने मुल्क और हाँ कौम के लिए, जी, जी, बिल्कुल। जी। तो मैं हमेशा 15 साल हो गया, मैं 15 साल तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 15 साल मेरी डेली दुआ के अंदर ये वर्ड्स होते थे कि आए खुदावंद तो मुझे फजल दे कि मैं तेरी कौम कलीसिया मुल्क की नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खिदमत कर सकूँ। और आज उसका सबूत है कि नेशनल लेवल पर तो मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत, एज ए मैं प्रेजिडेंट क्रिश्चियन सोसाइटी, फिर एज ए लेक्चरार, फिर बहुत सारे बच्चों के जैसे एग्जाम, एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के तौर पे मैं यूनिवर्सिटी में मदू किया जाता रहा हूँ, फिर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे मुझे रिकग्नाइजेशन मिलती रही, यहाँ पे भी मिलती हैं बहुत, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरी दुआ का आखिरी वाला हिस्सा था वो इस दफ़ा पूरा हुआ जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरा नाम पुकारा कि ये लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान के असल हीरो हैं, और दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइजिंग टू इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये सबसे बड़ी बात थी, और उसमें आपका नाम आना दैट वाज अमेजिंग। और मेरे ये सर तारीफ उस खुदा की जी जिसने बनाया। बिल्कुल सर, और मैं अगेन आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं और वो फिर जल्दी जल्दी से ऊपर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ूँ। फादर विक्टर जॉन ने जो है वो मैसेज किया, गॉड ब्लेस यू सर एंड अयाज मोरिस। मोजेस लॉरेंस गिल ने किया है, गॉड ब्लेस यू फ्रॉम कोरिया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके अलावा मोजेस गिल कहते हैं, प्राउड ऑफ यू अयाज भाई। थैंक यू सो मच, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेरी कामयाबी, मेरी थोड़ी कामयाबी है, वो आप सबकी कामयाबी है, हर पाकिस्तानी की, मैं मसीह नहीं बोलूंगा, हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। हमें ब्रॉड सोचना है, मतलब क्रिश्चियन तो हम हैं ही हैं लेकिन हम एक पाकिस्तानी हैं, तो यानी कि हर वो सुनने वाला, चाहे वो किसी भी मजहब से है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मसीही है या मुस्लिम है, हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर मेरा नाम पुकारा जाता है तो तमाम पाकिस्तानियों का नाम पुकारा जाएगा। सो फर्स्ट वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर ट्रू पाकिस्तानी। तो अगर कामयाबी मिलती है तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं आता, ये आप लोगों को जाता है कि आप लोग जो मेरे साथ बैठते उठते थे, जो मेरी कंपनी, उसको कहते हैं ना यार देसी का मुहावरा कि कबूतर के साथ कबूतर उड़ता है, कौवा कभी भी नहीं उड़ा कबूतर के साथ। तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठते बैठती हैं तो अच्छी चीजें हासिल करते हैं,
आप दानेश्वरों के साथ बैठते हैं तो आप दानेश्वरों वाली बातें सीखते हैं, आप चर्चियों के साथ बैठेंगे तो चर्चियों वाली बातें सीखेंगे। तो आप अच्छे लोगों से, आप लोग अच्छे थे तो मैंने बहुत सारी अच्छी बातें आप लोगों से सीखी, और उसका ये रिजल्ट आया कि आज पाकिस्तान ने मुझे रिकग्नाइज किया, और पाकिस्तान के झंडे पे तस्वीर आना मेरे लिए तमाम एजाजों से, तमाम अवार्डों से बढ़कर है। मैंने बिल्कुल लाइफ में जितने भी मैंने अवार्ड हासिल किए हैं, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी तरक्की हासिल की है, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड ये समझता हूँ कि मेरा नाम पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर 14 अगस्त को मेरी फोटो के साथ आया। दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। आई विल थैंक टू माई गॉड, मैं अपने खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने इस लेवल का बनाया कि हमारा नाम पाकिस्तान के झंडे पे, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की आन, हमारी जान, पाकिस्तान, वी लव यू ऑल पाकिस्तान की। अगर हम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उसकी सबूत देखें आज फेसबुक तमाम उन मसीहों से भरा हुआ है जिनके झंडों के निशान पीछे बने हुए हैं फेसबुक पे। आपका अपना टीवी जो है मास्टर टीवी, उस पे भी योम आजादी कुछ ऐसा लिखा हुआ मैंने देखा है, यानी कि हमारी पाकिस्तानी मसीही कौम की जो पाकिस्तान से जो उनसियत है, जो लगन है, जो लॉयलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारे किरदारों से नजर आ जाती है, हमारे किरदारों से पता चल जाता है। कि आप देखें फेसबुक भरा हुआ है, कोई भी जिनको मैं नहीं भी जानता उनके फेसबुक पे देखें, सबसे पहले झंडे बने होंगे और लव यू पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, और पाकिस्तानी तो हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, और हमें मकाम पाकिस्तान में जो हासिल करना है वो हमें मिला है, और पाकिस्तानी होने पे हमें प्राउड फील होना चाहिए, ना कि हमें छुपना चाहिए। वी आर अ पाकिस्तानी। बल्कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब मैं कतर में आया तो लोगों का कंसेप्ट है पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम ही हैं, क्रिश्चियंस तो है ही नहीं है। बोले पाक से मेरा नाम कुछ इस तरह भी है, इजाज़ हिदायत करके है। सो मोस्टली फिर हमारी कल्चर में ना हम सलाम वालेकुम, वालेकुम असलाम, ये यूज टू है बोलने में। तो व्हेन वी एम बिल्कुल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ कि आई एम अ क्रिश्चियन, सो दे गेट शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है कि भाई पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं। मैंने बिल्कुल है जी, बिल्कुल है पाकिस्तान में। और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है इसकी। आपने बोला जी पाकिस्तान में पाकिस्तान के मसीहियों को आज़ादी है, हमारे अपने चर्चिज हैं, हम अपनी इबादत में जाते हैं, हम इबादत करते हैं, हम अपने त्यौहार ईदें आज़ादी से मनाते हैं, और खुदामंद का शुक्र है कि ये खुदामंद ने हमें ये मौका दिया हुआ है, खुदामंद ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। हम सब मसीह मोमिनियों को, उन तमाम लोगों को से मैं दरख्वास्त करता हूँ जो किसी ना किसी वजह, यानी कि 100 में से कोई 3% ऐसे भी हैं जो नाखुश भी होते हैं दुनिया में, एक खानदान में सब खुश ही नहीं होते। वो बिल्कुल 3% मैं ये कहता हूँ कि देखो जब बहन भाई ये घर में रहती हैं तो छोटे मोटे झगड़े चलते हैं, लेकिन खूबसूरती घर की यही होती है जो घर का बड़ा होता है उनको संभाल के रखते हैं। तो कभी कभी आपके साथ ज्यादतियां भी होती हैं, मैं नहीं कहता कि 100% आपके साथ हर चीज पूरा ही होता है, ज्यादतियां भी होती हैं, लेकिन आप अच्छी चीजें भी तो देखें साथ साथ। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हमारे साथ अच्छी भी हो रही हैं, और जो पॉजिटिव चीजें हैं ना आप उनको उठा लो, जो नेगेटिव चीजें उनको फेंक दो। तो पॉजिटिव चीजें आप उठा लोगे तो आप मजीद तरक्की करोगे और आप खुशहाल जिंदगी बसर करोगे। अगर आप नेगेटिव चीजें उठाओगे तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और आप तरक्की नहीं कर पाओगे। ये मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों से भी शेयर करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, और आज आपके टीवी चैनल के तवस्सुल से, वसीले से मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी नौजवान नस्ल को खासतौर पर। सबसे एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ। जब मैंने जियाउद्दीन ज्वाइन किया था, जब मैं आखन में आया था, तो मेरे साथ जितने भी मेरे मसीह बच्चे दोस्त अहबाब थे, वो यार तू इतना पढ़ के है कि कर ले। आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स, वो मुझे बोलते थे यार आप इतनी एजुकेशन, उस दौर में 92 के अंदर तो BSc बड़ी एजुकेशन ठीक थी, और उस दौर में मैं जिस शोबे से मुंसलिक हुआ था वो तो मैट्रिक बेस वाले लोग करते थे। लेकिन देखें जब आपने तालीम अच्छी हासिल की होती है, आप मेहनत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ चांस। मुझे विद इन अ ईयर चांस मिला कि मैं तो अपनी प्रोफेशन ही मैंने चेंज कर दिया। सो नाउ आई एम सिटिंग अमंग ऑफ यू, यानी कि अगर आप तालीम अच्छी हासिल करते हैं किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लॉयलिटी है, यू विल गेट योर टारगेट। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिस जिस मजहब के मानने वाले हैं, खुदा तो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है मुझसे मांग, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन मांगने का
अच्छा होना चाहिए, खटखटाने का तरीका अच्छा हो तो आपको हर चीज मिलती है। तो बिल्कुल लाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदे थोड़े हैं। आप नौजवान बरगजीदों में शामिल होना सीखें, दुआ याद टाइम से करें, वालदैन की इज्जत करें, छोटे बहन भाइयों से प्यार करें, और सबसे जो बड़ी बात है आपके आस पड़ोस में बहुत से जरूरतमंद लोग हैं। छोटी छोटी बिल्कुल आप खिदमत होती है ना, छोटी छोटी आपकी हेल्प है ना, वो आपको बड़ा इंसान बनाती है। जो थोड़ा थोड़ा कतरा समंदर में शब बदल जाता है। तो आपकी छोटी छोटी जो खिदमात होती हैं वो एक बहुत बड़े जो ना उसके समंदर की शक्ल में बन जाता है। तो कैरी ऑन विद योर स्मॉल स्मॉल गुड थिंग्स, डोंट स्टॉप इट, शेयर विद अदर्स। बाय शेयरिंग योर गुड थिंग्स यू विल गेट अ मोर एनर्जी, यू विल गेट अ मोर मोटिवेटेड बाय अदर्स। तो जब आपको मोटिवेशन से मिलती है आप और अच्छे काम करते हैं। अगर आपने अच्छे काम छुपा दिए तो वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने बहुत अच्छे काम किए, किसी को बताया ही नहीं है। ये नहीं कि आप अब शो ऑफ हो रहे हैं, आपके बताने का मकसद होता है यू विल बिकम द इंस्पायरेशन ऑफ सम अदर्स। आपको नहीं बिल्कुल मालूम कि आपको कौन फॉलो कर रहा है, आपको अयाज नहीं मालूम कि आपको कौन फॉलो कर रहा है, यू हैव नो आइडिया। बिल्कुल अरे कितने लोग आपके फॉलोअर्स हैं जो अपने मुंह से इकरार तो नहीं करते लेकिन दिल से आपको वो मानते हैं कि इस रियाज इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत से लोग हैं जो मुझे तो नहीं कहते, देखे प्रोफेशनल जेलसी इज देयर, फैमिली जेलसी इज देयर, लेकिन फ्रॉम इनर हार्ट दे आर एक्सेप्टिंग दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब एंड यू आर डूइंग जॉब। तो कभी कभी आपके अच्छे काम ये नहीं कि दिखावा है, यू कैरी ऑन एंड शेयर विद अदर्स। बाय शेयरिंग योर नॉलेज यू विल गोइंग टू गेन मोर, यू विल नॉट रिड्यूस योर थिंग्स। हो सकता है आपका ये जो एक स्टेप है 10 नए इजाज पैदा कर दे, 10 नए अयाज पैदा कर दे, 10 नए कोई बड़े अच्छे एंकर मसीह बन जाए, 10 नए कोई बेहतरीन प्रोफ्यूजनिस्ट कार्डिक सर्जरी के बन जाए, 10 नए कोई लेक्चरार तैयार हो जाए, 10 नए कोई फिलोसोफर आप तैयार कर, 10 नए कोई डॉक्टर्स क्रिएट कर दें आप। तो आपके जो वर्ड्स होते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो मेरी ये अवार्ड सेरेमनी हुई तो आपको पता है ये इंटरनेशनल लेवल की थी, ओवरसीज, यानी मुख्तलिफ। द पर्सन हु इज कोऑर्डिनेटिंग द मीडिया, वो आपको पता है आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स यानी कि जो ऑन सर्विस मेजर था वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। एंड दैट मेजर वाज कॉलिंग मी, चाचू इजाज हिदायत आर यू हियरिंग मी, जैसे आपने मुझे अभी मीडिया पे लिया। तो आई गेट सरप्राइज कि मुझे चाचू कौन कह रहा है इतने बड़े ग्रुप के अंदर बैठा है, चाचू इजाज आर यू हियरिंग मी। तो आई गेट शॉक, हु इज दिस। उसने बोला आई एम मेजर दाऊद, आपका भतीजा। यानी कि मैं अपनी जो अवार्ड को भूल के मैं उसकी जो थी कामयाबी के लिए मैं ज्यादा वो हो गया मोटिवेट, मतलब मैं सर वो जो कहते हैं ना बंदा परेशान हो खुश हो गया कि यार वाह यार आज ये इस लेवल पे। मुझे वो याद है वक्त जब ये बच्चा FSC कर रहा था, मेरे घर आया था कराची में, तो मैंने उसको बोला था भाई मैं भी फौज में गया ना, फौज में जाना है तो कमीज से जाना और कामयाब बनना। ओ इज द मेजर, मतलब हमारा क्रिश्चियन बच्चा मेजर। एंड इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो के भाई यार आज वो मुझे कंडक्ट कर रहा है, ये सारे जितने भी थे लोगों को जो उसने मीडिया के थ्रू लेना था, लाइन पे लेना था जूम के मोड से मीडियम से। आपको ये बताने का मकसद है कि जब आप अच्छी चीजें शेयर करते हो तो देखो आपके जो बच्चे जब तरक्की करते हैं, इज मोर देन इनफ, मतलब बहुत जरूर से अपने से ज्यादा खुशी उसकी होती है। तो मेरा अवार्ड की जो मुझे खुशी थी वो तो मैं भूल गया, मुझे तो ये खुशी होगी कि मैंने उस बच्चे को जिसको मैंने कहा था मेरे भतीजे को, नाउ ही इज सिटिंग इन अ वेरी गुड प्लेस, इज द ऑन जॉब मेजर आर्मी का, एंड ही इज कंडक्टिंग ऑल दिस मीडिया कॉन्फ्रेंस। तो ये होती है मोटिवेशनल थिंग्स आप करते रहते हैं, बिल्कुल बच्चे तरक्की करें। बिल्कुल सर, 1 घंटा होने को है और यकीन माने वक्त का पता नहीं चला, और मेरा अभी भी दिल कर रहा है आपकी गुफ्तगू को सुनने का, और यकीनी तौर पर हम मुस्तकबिल में भी आपसे अपने नौजवानों की और खास तौर पर उन लोगों की जिंदगी को इंस्पायर करने के लिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और एक खूबसूरत बात ये है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ मैसेज भी मुझे आए साथ साथ, कमेंट्स आ रहे थे कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, तो बिल्कुल ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड भी ऑलरेडी हो रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। तो आप मासे टीवी एशिया के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जो है वो ये वीडियो जो है कुछ दिनों बाद देख सकेंगे, और जो है वो इसी तरह से हमारे पेज पर भी ये वीडियो है। और शाहरुन जो ने कहा गॉड ब्लेस यू चाचू जी, चाचू इजाजत, थैंक यू सो मच जी आपका, आप तमाम लोगों का जिन्होंने फीडबैक दिया, और हमें खुशी इस बात की है कि हमने बहुत कम अरसे में
इसको अनाउंस किया और रात को तकरीबन ये हमने बहुत लेट अनाउंस किया और आज हम सुबह बैठ के करिए, क्योंकि नॉर्मली मंडे का दिन है सर, मंडे का दिन है और लोग ऑफिस आज में क्योंकि काम के लिए जाते हैं और मॉर्निंग का वक्त है तो बहुत कम सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो जब हमने ये प्रोग्राम किया और कंसिस्टेंट हमारे व्यूअरशिप की जो है वो रहे व्यूअर्स, तो आप उन सबका शुक्रिया और ये आपकी मोहब्बत और आपको जो है राजे तसीम पेश करने का एक छोटा सा जो है वो हमारी छोटी सी काविश थी। मैं सर क्योंकि प्रोग्राम में हम चंद मिनट्स हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में हैं और अगेन गांव देहात में हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे गांव से भी लोग हैं, बहावलपुर से या इधर के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, पर साथ साथ जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं फरियाल गोहर ने मैं किया है, इसके अलावा हिजाज ने किया है लव यू फ्रॉम चाइना, तो जो है वो आपको ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ये मोहब्बत आपके आपकी खिदमात में उसके लिए आ रही है। तो अगेन उन लोगों के लिए, हमारे बहुत सारे नौजवानों के लिए जो गाँव में है, देहात में है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में है, जो भी इस तरह की स्ट्रगल से मुसाइल से गुजर रहे हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं, ख्वाब बड़ा देखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या पैगाम? मेरा एक छोटा सा शेर है और उसमें मेरा सारा पैगाम छुपा हुआ है सही बात। आप सब के लिए। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, और ऐसा चलन चलो कि जमाना मिसाल दे। आप अपनी बिल्कुल जिंदगी बहुत को बिल्कुल ऐसा करके दिखाएं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपकी मेहनत, आप जिस भी फील्ड में, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, जरूरी नहीं आप इंजीनियर बन जाएं, आप प्रोफेसर बने, आप जिस भी फील्ड में हैं आप ऑनेस्टी से काम करें और दिल लगा के काम करें। और आपको 70% लोग जो होंगे आपको नेगेटिव मिलेंगे, 30% आपको पॉजिटिव मिलेंगे। आप वो 30% पॉजिटिव लोगों की बातों पे गौर करें और उनको अपने दिमाग में दोहराते रहा करें विर्द की तरह, और फिर आपकी कामयाबी आपको पकड़ लेगी। और अगर आपने 70% जो आपके मनफी सो ख्यालात वाले लोग हैं, यार यार की कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज बाय 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 बाय, यू विल नॉट गेट अ सक्सेस फॉर योर सक्सेस। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, योर थॉट पॉजिटिव अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका अखलाक पॉजिटिव होना चाहिए, आपका लिबास पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखना सफाई निस्फ ईमान भी है, यानी कि आपकी कामयाबी के लिए आपके लिबास, आपका अखलाक, आपकी जुबान, आपका किरदार वो जो है ना बा किरदार होना चाहिए। इस पे आप काम करें, चाहे आप गाँव में हैं, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे आप पाकिस्तान के बाहर हैं, आपको खुदावंद खुद ही चुन लेगा। वो अपने प्यारों को सोते में ही अता कर देता है। वो मांगने से पहले ही बिल्कुल जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। जबकि तुम इंसानी बाप होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्यों कर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजों से नवाजेगा नहीं, अगर आप उनसे सच्चे दिल से मांगोगे। ये मेरा पैगाम है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच जी। अपने तमाम व्यूअर्स का भी फादर विक्टर जॉन ने मैसेज किया कि वो वाचिंग फ्रॉम रोम, तो थैंक यू फादर आपका भी कमेंट करने के लिए। अहमद बुक अहमद बुक जी 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 सर बोले एक थैंक यू फादर विक्टर, वी लव यू लॉट। खुदावंद आपको अपने काम में इस्तेमाल कर रहा है, हमारी बहुत सारी दुआएं, बल्कि हम सब के लिए आप जरूर दुआ करें। बिल्कुल जी। अहमद बुखारी साहब कह रहे हैं लव यू ऑल, लव यू फ्रॉम यूएसए, तो जो है वो दुनिया भर के तमाम ममालिक से जो है वो हमें देखा गया, आपने तमाम व्यूअर्स का वंस अगेन हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से, इवन कतर से, यूएई से, चाइना से, और जो है वो कोरिया से, रोम से, यूएसए से, जहां जहां से भी आप देख रहे हैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मास्टर टीवी के बिहाफ पर मैं सर आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमारी बहुत मुख्तसर सी काविश पर आँख कही और अपना वक्त दिया, और मुझे बहुत खुशी है आपकी जिंदगी से, आपकी स्टोरी से बढ़कर आपकी जो शख्सियत, आपकी आजिजी, उसने यकीन माने मुझे बहुत मुतासर किया, और मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कैसे लोग हमारी जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, उसको जिंदा रखते हैं, और जो उसमें इंसानियत और जो उसमें भलाई और खैर का पहलू है उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो सर वंस अगेन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी मैसेज है तमाम व्यूअर्स के लिए, प्लीज ये जो
अय्याज साहब हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इनके जो जो जिनकी जो काविश है ये टीवी के हवाले से, कि आप साहब इसको लाइक करें, और मैं आपसे मुतासिर हूँ। वेल डन, कीप इट अप, आप इस चीज़ को जारी और सारी रखें। बल्कि ये जो आपका जो काम है, जो मिशन आपने लिया हुआ है, ये बड़ा मुश्किल वाला काम है याद साहब आपने लिया हुआ है। इसको रुकना नहीं, इसको चलते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं मैं, बहुत सारे और सारे भी लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, तो लेकिन आप काम करते रहें, बढ़ते रहें, जीते रहें, और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वंस अगेन अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अगेन आपको रिमाइंड करवाते चले कि ये वीडियो जो है मास्टर टीवी के फेसबुक पेज पर जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारे मास्टर टीवी एशिया के नाम से हमारा ये चैनल है, वहां पर भी एडिट होगी ये वीडियो जो है वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे ज्यादा चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।